जरूरत सबका है वो रखवाला, दिलदार है वो, अरे ललकार है वो, सबके दिलों का सरदार है वो, कहता है हर कोई करने न देगा वो पाप रे। मसीहा सबके दिल पे छाया है, धरती अंबर सारा समंदर दिखता उसका साया है, फनकार है वो, दमदार है वो, अरे छूकर न देखो अंगार है वो, कहता है हर कोई सारे संभाले पे। शेर दिल अमसा नेता मेहरबान कदरदान संग दिल अमसा चेता सबसे पहले मैं आप लोगों का
शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जलसे को कामयाब बनाया। और हमारे नौजवान साथियों का, पूरे शहर के हर वार्ड के, जो 8 फरवरी से मुसलसल इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने तौर से मेहनत की, और मेरे अपने साथ जो शहर भर में हमने मीटिंगें ली, जो उस मीटिंगों को मेहनत करके जो कामयाब किया, मैं ऐसे सभी मेरे साथियों का, सभी व्हाट्सएप ग्रुप के नौजवानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 2 साथियों, ये बात तो बिल्कुल गली से लेकर दिल्ली तक इस बात का तो पता चल चुका है कि मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के मरकजी निगरान और कांग्रेस पार्टी के रियासती निगरान का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा उनका अपना साथ, जब से मैंने जन्म लिया, पैदा हुआ, मेरे अपने घर के अंदर कांग्रेस का झंडा मैंने देखा। शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में मैंने सियासत में कदम रखा और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जब मैंने पहला इलेक्शन कॉरपोरेशन का लड़ा, हजार खोली से लेकर शहीद अब्दुल हमीद तक की आवाम का, कि उन लोगों ने मुझको पहला इलेक्शन के अंदर कामयाबी दी दिलाई। 2005 में 50 से ज्यादा वोटों से मुझको मालेगांव शहर का मेयर बनाया। उस वक्त शेख रशीद साहब ने और जो हमारे जिम्मेदारान हैं, उस वक्त के कारपोरेटरों ने मुझको मेयर बनाकर शहर का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का सबसे कम उम्र मेयर बनाने का एजाज मुझको दिलाने का काम किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद 2007 में निहाल नगर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझको दोबारा कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेटर बनाकर भेजा। और 2014 में मालेगांव शहर की आवाम का, हमारे नौजवान साथियों का, हमारी मां बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझको महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजने का काम किया था। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले ये बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, जो हमारे अपने मुखालफिन हैं, अगर वो ये सोचते होंगे कि मेरा और मेरे परिवार के अंदर बीच में कुछ दरार पैदा हो गई, तो उनकी ये गलत समझ है। हम एक छत के नीचे, शेख रशीद साहब हमारे परिवार के मुखिया है और वो इंशाअल्लाह कायमत तक रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर कोई डिस्कूल नहीं है, बल्कि एक परिवार है, एक घर है, एक मकान है और वो इंशाल्लाह रहने वाला है। उसके अंदर कोई दरार पैदा नहीं हुई और ना इंशाल्लाह होगी। सिर्फ मेरा रास्ता बदला है, मेरी सोच और मेरे विचार बदले हैं,
मेरी पार्टी पहले कांग्रेस पार्टी थी और जो आप लोगों से जो मैंने राय इकट्ठा की, जो आज आप लोगों को जमा किया गया राय लेने के लिए और फैसला सुनाने के लिए, उसके बाद मेरी दिशा मेरा रास्ता अलग होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे परिवार के, मेरे वालिद साहब का, मेरे चाचाओं का, शेख खलील साहब का, मेरे भाइयों का, मेरे परिवार के एक बच्चे का, जो यहां तक मुझको पहुंचाने के लिए मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। और इस शहर के मेरे गरीब वर्कर, इस शहर के नौजवान, इस शहर के बुजुर्ग, इस शहर की मां बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे इस सियासी सफर को आज तक आपने मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे, और आज भी आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि शेख आसिफ तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। मैं आपको भी सलाम करता हूं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप मुझको कारपोरेटर नहीं बनाते, आप मेरे साथ नहीं खड़े रहते, तो मैं कारपोरेटर भी नहीं बन सकता था। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े होते, तो मैं मेयर भी नहीं बन सकता था। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े होते, मेरा वर्कर मेरे साथ नहीं खड़े रहता, मेरा नौजवान मेरे साथ खड़े नहीं रहता, तो मैं एमएलए भी नहीं बन सकता था। लेकिन आपने जो ताकत, जो आपने जो मुझे सपोर्ट किया, जो मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहे, अल्लाह का करम है कि आप लोगों की बदौलत मैं यहां पर आज खड़ा हूं। आपने कारपोरेटर बनाया, आपने मेयर बनाया, आपने एमएलए बनाया, यहां तक पहुंचाया, यह आप लोगों की बदौलत है। और अगर आप मेरा साथ दोगे, तो इंशाअल्लाह हमारा नया रास्ता, नया सियासी सफर इंशाअल्लाह बहुत मजबूत होगा, बहुत ताकतवर होगा। और जो मैंने सोचा था 2013 में, कई सवालात इस शहर के सामने मौजूद है, सवालात इस शहर के सामने है। 2014 में मैंने क्या सोचा, मैंने उस वक्त भी इस बात का ऐलान किया था कि मैं रोड और गटर की सियासत नहीं करता। मैंने उस वक्त भी मेरा यही जुमला था कि रोड बन जाएगी, टूटेगी और फिर बन सकती है, लेकिन मेरे गांव का बच्चा, मेरे शहर के बच्चा, अगर वो टूट जाएगा तो वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, दोबारा नहीं बन सकता। ये मेरा जुमला था। मैं उन मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग हजरात को भी सलाम करता हूं कि 2013 के अंदर जब हमने सोचा कि हमको मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, नौजवानों को रिजर्वेशन चाहिए, नौकरियां चाहिए, और जब हमें ऐलान किया इसी बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के पास कि हमको मालेगांव से मुंबई जाना है, और कांग्रेस की सरकार थी और हमने फैसला किया और मुंबई गए, इसके लिए इसीलिए कि मैंने यह सोचा था कि मेरे शहर का नौजवान सरकारी नौकरियों पे चला जाए, उसको रिजर्वेशन तालीम हासिल करे, उसको रिजर्वेशन मिले, यही सोचा था, कोई गलत नहीं सोचा था। सरकार को मजबूर होना पड़ा और रिजर्वेशन मिला, सरकार बदल गई 14 में। हम
हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। और जिस वक्त असेंबली के अंदर मैंने उम्मीदवारी की 2014 में, मुझे याद है कि अंसार जमात थाने के अंदर मैंने हल्फ लिया। और हल्फ ये लिया था अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैंने हल्फ लिया था कि कोई भेदभाव शहर के अंदर मैं नहीं करूंगा, कोई तबरका नहीं करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। और अल्लाह का एहसान है कि जो हल्फ लिया था आज भी मैं उसके ऊपर कायम हूं। आप लोगों ने नुमाइंदा बनाया, मैंने 5 साल इस शहर के लिए मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया था, 5 साल वक्फ किया 4 बुनकरों के लिए, 4 मजदूरों के लिए, 4 तालीम के लिए, 4 शहर के विकास, 1 शहर के डेवलप के लिए, 40 महाराष्ट्र के मुसलमानों के नुमाइंदगी करने के लिए मैंने रात और दिन नहीं देखा। 5 साल मुसलसल मैंने अपने आप को वक्फ किया, शहर को विकास भी बताया, डेवलप भी बताया, तालीम के ऊपर भी काम किया और सबको साथ लेकर चलने की मैंने पूरी कोशिश की। यह शहर इस बात का गवाह है। आप दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो या माजी के मेरे 5 साल आप मुआयना करिए, आप सोचिए कि मैंने सबको साथ नहीं लेकर चला, क्या मैंने भाजपा की सरकार से लड़कर विकास नहीं किया, क्या मैंने महाराष्ट्र के मुसलमानों पर जहां जुल्म हुआ, जहां पर फसादात हुए, जहां मुसलमान बहनों का बलात्कार हुआ, क्या मैंने असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाई, क्या साध्वी के खिलाफ मैंने असेंबली में आवाज नहीं उठाई, 2006 का जो कब्रिस्तान में बर्खास्त हुआ, क्या सिमरन जी ने बर्खास्त किया, क्या मैंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्या हमारे अपने नौजवान जो बेगुनाह थे, क्या महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के अंदर उनके ताल्लुक से आवाज नहीं उठाई, क्या गौ रक्षा समिति के खिलाफ में आवाज नहीं उठाया, सब मेरी YouTube के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप सुन सकते हैं। एक छोटे से कस्बे के अंदर अगर मुसलमान को चोट लगती थी और मेरे तक वो बात आती थी तो वो भी मैंने महाराज के असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया। मेरा सवाल इस शहर के बुनकर भाइयों से, क्या इन 5 सालों के अंदर कभी ऐसी नौबत मैंने आपको आने दी कि आपको मंत्रालय की सीढ़ी चलने दिया, क्या आपके लिए आवाज नहीं उठा, हर तरीके की आवाज उठाया, लेकिन 2019 के अंदर जो नतीजे आए वो बहुत हैरान करने वाले, मुझे खेस पहुंची। मैं माफी मांगता हूं उस 5 साल के अंदर कि मैंने
जरा से गरीबों का साथ छोड़ दिया था, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आपको सलाम भी करता हूं कि मेरी गलती होने के बावजूद आप लोग 19 में मेरे साथ खड़े रहे और 80,000 वोट आपने दिलाया, तो आपको सलाम। हमारे सामने तो कई भेड़िया आए थे लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के बदौलत 80,000 वोट आप लोगों ने दिलाकर उनको बता दिया कि शेख आसिफ को तुमको खत्म करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, आप लोगों ने बता दिया। और आज के जलसा इस बात का सबूत है, आज के जलसा इस बात का सबूत है कि शेख आसिफ को और शेख आसिफ के कार्यकर्ताओं को खत्म करना इतना आसान है। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 महीने में शहर को क्या मिला? एक मुद्री अगर बनाए हो तो वो बता दो, एक मुद्री अगर बनाए हो तो वो बता दो। 5 साल में नहीं बनाए थे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरे हमदर्द, मेरे वर्कर, मेरे नौजवान ये ना बोले कि तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ है। तुम ये बोलना शेख आसिफ तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। क्या मिला शहर को 15 महीने में? ये शहर का जो नुकसान हुआ, ये शहर के लोगों का नुकसान हुआ, ये शहर का तामीर और तरक्की रुक गई, मुसलमानों के मसाइल रुक गए, ये शहर आज लावारिस हो गया सियासी तौर पर। आज कोई बोलने वाला नहीं। लॉकडाउन में तो आप लोगों ने देखा ये शहर कितनी मुसीबत में था, कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने हमारे बड़े बड़े सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा, कई हमारे बुजुर्ग और नौजवान मां और बहने इंतकाल कर गए। ईमानदारी से बोलना कौन आपके काम है? शहर का एमएलए है क्या? आप लोग बोल रहे हैं इज्जत में बैठे और मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन ये शहर का जो लॉस हुआ, जो नुकसान हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आज मुझे खुशी हुई कि आज शहर की एक मस्जिद के अंदर इस तरीके की अपील की गई कि लॉकडाउन है,
जहां गर्दी जमा होने वाली है वहां मत जाइए। शहर में 144 दफा लगी है, चार लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। इशारा कहां था? आज के जलसे के अंदर मत जाओ। खुशी हो? कम से कम हमारे वर्करों की ताकत को अंदाज तो लग गया है कि अभी हम खत्म नहीं हुए। ये मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, मुझे बताइए कि 2019 में पिछले मार्च को एक साल पहले 1 मार्च 2020 को एमएलए कौन था? अक्टूबर में तो मैं हार गए, 1 मार्च को तो आप एमएलए बन गए। ये शहर के अंदर जो पावर कंपनी आई, जो पावर की कंपनी लगी, आज जो पावर कंपनी के लोग जो बिल वसूल कर रहे, आपका कनेक्शन काट रहे, बुनकरों को मजदूरों को परेशान कर रहे, घर गुत्ती वालों को परेशान कर रहे, आप एमएलए थे, ये शेख आसिफ था। तो मैंने जब तक एमएलए रहा इस शहर के अंदर पावर कंपनी को नहीं आने दिया, इस बात का सबूत महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर जाकर देख ले। तुम्हारे पीरियड के अंदर आया और मेरा खुला चैलेंज है कि कंपनी के एमडी, कंपनी के मालिक और इनका फोन के कॉलिंग देख लेना, कॉल निकाल लेना डिटेल, और मुंबई के अंदर कहां बैठक हुई, कितना की डीलिंग हुई। इन्हें हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं अलग नहीं हूं। और तुम झूठ बोलकर इस शहर को गुमराह करने का काम करते रहो, मजहब के नाम पर। भैया तो कुछ बताते नहीं, मजहब की आड़ के अंदर वोट मांगना, मजहब के नाम पर लोगों को ठग लेना, मजहब के नाम पर एमएलए बन जाना, तुमको सब जायज है। ये शहर का नुकसान की हो रहा पता है आपको? इस 15 महीने के अंदर ये एमएलए बने, जिस वक्त सरकार बन रही थी, जिस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत बन रही थी, सरकार बनाने के लिए तड़जोड़ चल रहा था, उस वक्त सांता क्रूज के रेस्ट हाउस में मुंबई के अंदर हर सभी नहीं लिया गया। शहर को बेच डाला गया था, डील हो गई थी। और सरकार को भी धोखा देने का काम किया गया था, बोला कुछ गया था और हाउस के अंदर कुछ किया गया था, यही वजह है कि शहर के अंदर विकास और डेवलप नहीं हो रहा। अपना जाति मुखा देखा गया, मुंबई के सांता क्रूज रेस्ट हाउस में डीलिंग हो गई थी। और भी डिटेल है मेरे पास, और भी बहुत चीजें मेरे पास है। अल्लाह के वास्ते जो भक्तों
अंधी भक्त जो अंधी अकीदत आप लोग रखते हैं, जरा पूछना। और ऐसे मुशायरे चौक पे मत पूछना, क्योंकि मंतिक सीखा हुआ आदमी है, मंतिकी जवाब देगा। वक्त आएगा एक एक बात मैं बाहर लाऊंगा। यही वजह इस शहर का नुकसान हो रहा है, ये शहर के अंदर विकास नहीं हो रहा है, इस शहर के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा वजह है ये, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा। और देखो यार, नमक लगता है नमक, और हमारे सभी कार्यकर्ता लीडरान मेरे नौजवान साथी हमको मानने वाले सियासी तौर पर बहुत नमक वाले खान वाले हैं। ये जो व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारों के अंदर जो चल रहा है कि कॉरपोरेशन के अंदर गंदा गठबंधन के अंदर दरार, इनके अंदर नमक नहीं है, नमक इतना खार नहीं है, इतनी टीक नहीं है, इनकी बेइज्जती भी होती रहेगी तो ये रात के अंधेरे के अंदर एक हो जाएगी। इसके ऊपर भरोसा भरोसा करो मत। भरोसा करो मत। अलग होने के लिए नमक लगता है, खार लगता है, इनके अंदर नमक उमक नहीं है। मैंने एक जलसे के अंदर कहा, सफी नगर के अंदर मैंने एक बात कही थी, करीम नवाज गार्डन में, कि चार लोग एक पैजामे की नाड़ी से लगते हुए बहुत लगी अभी तक। वो नाड़ी छोटी पड़ गई तो छोटे पैजामे की नाड़ी पड़ गई। वो नाली बड़ी नाली कम पड़ रही थी, छोटे नाले की पैजामे की नाले पकड़ लिया गया है कि हम कैसे भी चुन कर आ जाए, कैसे भी चुन कर आ जाए। गांधीनगर वालों से डर, अयुब नगर वालों से डर, अमनपुरे वालों से डर, सब्बीर नगर वालों से डर, डीपू वालों से डर लग गया तो उधर खसक ले। लेकिन याद रखना, आप लोग खासतौर से गुरुवार वार्ड के लोग 19 का बदला आपको लेना है। और अल्लाह का बहुत एहसान है, अगर मैं सियासी तौर पर किस पर वार करता हूं, शेख आसिम ने कभी ठेकेदारी नहीं की, कभी कॉरपोरेशन के अंदर ठेकेदारी नहीं की, एकदम क्लीन हूं, इसलिए वार करता हूं। पहला स्टैंडिंग का कागज का फूल आया तो जमीन ही खसक गई, फिर बयान आया मैं खामोश था, दूसरे काम में लगा था, बोले आप लगा के बताना, पिछले हफ्ते फिर भेज दिया। यकीन जानो दोस्तों, लेटर दिया आज, लेटर कल फूल आ गया, 2.5 कोटी जमा।
कभी मैंने ठेकेदारी नहीं किया और इंशाल्लाह ना करूंगा। नहीं तो आप कभी कॉरपोरेशन में जाना आम पब्लिक को पता नहीं रहता। वालिद मोहतरम, बड़ा लड़का उससे छोटा लड़का, उससे छोटा लड़का, आप लड़के का लड़का, आप भांजा, सब थैली लेके घूम रहे। क्या तरीका है, किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है गुरुवारवाड़ की आवाम को, शहर की आवाम को, किस तरीके से बेवकूफ समझा जाता है। अब तो तुमने मुझे खुला कर दिया 19 में, अब तो खुला है, काम ही नहीं है। अब तो ज्यादा तवज्जो गुरुवार वार्ड में रहने वाली है मेरी भी। और आज आप लोगों को याद दिलाता हूं कि मैंने पहले कहा था, जलसे में मैंने पहले कहा था कि अगर कोई वर्कर को कोई हाथ लगाता है पुलिस स्टेशन चले जाओ, एक एक केस की बात जरूरत है। उस दिन से इसको गाली भी नहीं दे रही। कोई वर्कर को हाथ लगा के बताना, बिल्कुल सामने से जाओ, कोई वर्कर को हाथ लगाकर बताना, मेरा चैलेंज है। और कई लोगों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता रहता कि जातियात पे लिखते। मैं तो आप लोगों से बोलता हूं, मुझको कंप्लेन मत किया करो कि उसने ऐसा लिखा, उसने ऐसा लिखा। सियासी तौर पर कोई लिखता है तो हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अगर कोई जातियात पर लिखता है उसकी कान के नीचे वहीं बजा देंगे। और कभी हम लोग रहन चले नहीं आते हमको, कभी पुलिस स्टेशन के बाहर जाके धरना उरना नहीं देते हम। हम मोर्चा लाएंगे, कार्रवाई करो, हम एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ जाएंगे। यह बुजदली का काम हमको आता नहीं। मारे मरक मार खा मरक, ये गलत करेंगे जेल जाएंगे, केस बनेगी। आज के जलसा लेने का पुलिस छोड़ने वाली है कि गलत किया, बनेंगे केस। लेकिन हमने यहां पर हजारों मास्क भी बांटा है, सामाजिक काम भी किया, तो हम किसी से भी डरने वाले नहीं है। हम ये चाहते हैं इस शहर का विकास, इस शहर का डेवलप। और जब मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया तो शहर के अंदर हंगामा मच गया। और इस्तीफा देने के बाद दूसरे ही दिन से मुझे कांग्रेस पार्टी के लीडरान का, हमारे बाबा साहब थोरा जी, अभी नए अध्यक्ष नाना पटोले जी, नसीम खान साहब, असलम शेख साहब, मानिकराव ठाकरे साहब, विनू गोपाल जी दिल्ली से जो सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, जयप्रकाश छाजड़ साहब, शरद आहिर साहब, कई लीडरों के फोन आए, क्या आप आइए, आप बैठिए,
आसिफ तुझको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन तू कांग्रेस पार्टी छोड़कर मत चल। ईमानदारी से बोल रहा लेकिन मैंने एक बात उनसे कहा कि शायद आपको मेरी जरूरत नहीं है और आप मैंने इस्तीफा दिया और मैंने शहर की आवाम के ऊपर छोड़ा हूं, मेरे वर्करों के ऊपर छोड़ा हूं, मैं मेरे वर्करों की राय लूंगा, उनसे मशवरा करूंगा और जो राय आएगी उसके बाद मैं फैसला करूंगा। उसके लिए उससे पहले मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता और मैंने शुरुआत की 50 से ज्यादा मीटिंगें की शहर में, अलग अलग चौक चौराहों के ऊपर जाकर खुला आवाम से राय ली। आप लोगों ने जो राय ली, पर्सनल मैंने फोन करके कई लोगों से राय ली, पर्सनल मुलाकात करके मैंने राय ली। अगर मैं चाहता तो आपको बताता भी नहीं, जाकर बैठकर मैं सौदा कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। और राय लेने के बाद पूरे शहर की राय लेने के बाद जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैंने उससे पहले एक कमेटी बनाया, संजीदा लोगों को छोड़ा और एक कमेटी बनाया 21 लोगों की, और वो 21 लोगों की जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को मैंने पूरी मुकम्मल मालूमात मैंने दी और उनसे कहा था मैंने कि आप लोग ये बात बाहर मत बोलना जब तक मैं जलसा नहीं लूं, आवाम की राय में ले रहा हूं, आप इसके ऊपर काम करिए। उन्होंने मुझको 15 ड्रॉप कमेटी ने ये 15 नुकाती प्रोग्राम जो शहर के विकास, शहर के डेवलप के लिए उन्होंने बनाए, वो मेरे हाथ में है। उन्होंने मुझको 2 दिन पहले सौंपा, 2 दिन पहले सौंपा। और कांग्रेस पार्टी से मैं क्यों नाराज हुआ, मेरे लिए नहीं, ये मुझको कोई ओहदा लेना था इसके लिए नहीं। अगर मैं चाहता तो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्तीफा देता, बल्कि मैं एक इस्तीफा एक पॉकेट में बंद करता और कांग्रेस के अध्यक्ष के हाथ में थमा के आ जाता, किसी को पता भी नहीं रहता और मेरा सौदा हो जाता। लेकिन मेरी नियत साफ थी, अल्लाह गवाह है, जो मेरी नियत साफ है और मैं 15 महीने से ये शहर को देख रहा था, इस शहर को समझ रहा था, ये शहर में विकास, शहर का डेवलप, वो सरकार हमारी बनी, कांग्रेस पार्टी बराबर के हिस्सेदार है, जिससे मेरी पहचान है, जो खून और पसीना मेरे साथ जो इस शहर के लोगों ने दिया। सरकार बनने के बाद जो पैदल मार्च हम लोग गए थे 13 में रिजर्वेशन के लिए, सरकार बनने के बाद मैं गया मेरी पार्टी के लीडरान के पास कि सरकार जो बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बनी है, मुश्तरका एजेंडा बना है। आप मुसलमानों को जो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया,
आप वहां पर ये बात रखिए, क्योंकि हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन की बात चल रही, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम भी चाहते हैं कि मराठा भाइयों को मिलना चाहिए, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के लीडरान से कहा कि आप कैबिनेट के अंदर बात रखिए, सरकार के बीच में कोना मिनिमम प्रोग्राम जो बना उसमें बात रखिए कि जो मुंबई हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन दिया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को मिलना चाहिए। जाके मैं मिला, मैंने कहा कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की बहुत, नौजवानों को बहुत उम्मीद है। इस महाराष्ट्र के मुसलमान अपने बच्चों के लिए, तालीम के लिए, आला तालीम के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन मांग रहे। आप अपनी बात को रखिए वहां की सरकार के पास, लेकिन 15 महीने मेरी बात को नहीं सुना गया, नजरअंदाज किया गया। मैंने कहा कि जब मैं एमएलए था 5 साल तो असेंबली के अंदर एक एक बात उठाता रहा। क्या बात उठा रहा? जो हमारे शाह बिरादरी के लोग हैं, जो उनका वेलिडिटी नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो उनको वीआईपी का दर्जा था, कई महीने असेंबली में आवाज उठाई कैबिनेट के अंदर ले जाने के लिए, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की, उनका मसला हल नहीं की। मैंने मेरे जब सरकार आई, मैंने मेरे लीडरान के पास कहा कि इसके ऊपर आप मीटिंग लगाइए। शाह बिरादरी एक बहुत बड़ी बिरादरी पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, गरीब है, पिछड़े हुए लोग हैं, अगर वीजेएमटी का दर्जा मिलता है तो उनको रिजर्वेशन पहले से है और वो सरकारी नौकरियों पर और तालीम के अंदर जाकर वो तालीम भी हासिल कर सकते और सरकारी नौकरियां भी। मेरी बात को नजरअंदाज किया गया। मुस्लिम मैटर जो उनको इसी का दर्जा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी खत्म किया, जो आले उदय तक पहुंच सकते थे, जो फोर्थ क्लास के अंदर उनको नौकरियां मिलती थी, वह मैंने ले जाकर बात को रखा। मैंने कहा कि सीएमएलए एनआरसी, कुछ लोगों ने असेंबली से पहले ही शहर की आवाम को जज्बात में लाकर यह ऐलान करकर एमआईएम के अंदर गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एनआरसी और सीएए के ऊपर कुछ नहीं कहा, इसके लिए हम छोड़कर जा रहे हैं, मुसलमानों की बहुत हमदर्दी जताई। लेकिन अगर मैं चाहता तो दूसरा रीजन भी बता सकता था, लेकिन एक बात मैं जरूर यह कहना चाहता हूं, मुसलमानों को कोई डरने की जरूरत नहीं। हम इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए, इस हिंदुस्तान के अंदर बड़े हुए और इस हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर दफन भी हो गए। हमको कोई शरीयत और हमको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं कि हम इस हिंदुस्तानी हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई लोग डराते हैं गुजरात के दो भाई लोगों से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, तो ये बात सुन ले। हैदराबाद के दो लोग जो ये दो लोगों का डर बताते हैं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से उसके रसूल से डरता है, ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह से कतई डरने वाला नहीं है और कोई हमको इससे डराने की कोशिश भी ना करे। लेकिन मैं गया, सरकार बनने के बाद मैंने कहा कि तजवीज लाई जाए। आपको याद होगा जिस दिन मालेगांव शहर के अंदर मोर्चा निकला था एनआरसी का, सीएए का,
लाखों की तादाद में हमारी नौजवान सड़कों पर निकले। उस वक्त असेंबली का सेशन चल रहा था मुंबई में और मैं यहां नहीं बल्कि मुंबई के अंदर था और मैंने वहां आवाज उठाई थी कि मालेगांव के अंदर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और सी और एनआरसी वापस लिया जाए। ये भाजप की सरकार के सामने आंख में आंख डालकर मैंने बात की थी और आवाज उठाई। कोई मुझे दलील और सबूत देने की जरूरत नहीं है, आवाज उठाई। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो मैंने कहा, कांग्रेस के हमारे लीडरान से कहा कि आप तजवीज लाने के लिए बोलिए, हमको पता है कि इस महाराष्ट्र के अंदर भाजपा का जो काला कानून लाना है ये सरकार नहीं लाएगी, लेकिन एक कागज के ऊपर लेकर आ जाओ। बात को नजरअंदाज किया। मैंने कहा कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का मेयर है, कांग्रेस की मेजोरिटी है, सरकार हमारी बनी तो हमको झोपड़पट्टी के इलाकों के अंदर, झोपड़पट्टी के इलाकों के अंदर रास्तों के लिए, शहर के मेन मेन रास्तों के लिए विकास निधि दिया जाए, दौलत निधि दिया जाए। हमने बड़ी फहरिस्त तो मैंने बनाकर शेख रशीद साहब के साथ में जाकर हमने दिया हमारे नेताओं को कि शहर के अंदर विकास और दौलत का फंड दिया जाए। 15 महीने गुजर गए लेकिन अगर 1 लाख रुपया अगर हमारी सरकार से हमको नहीं मिल पा रहा तो मैंने क्या करना चाहिए। भाजपा की सरकार नहीं देती तो हम मान सकते थे, लेकिन हम हिस्सेदार हैं और हिस्सेदारी हम बराबर के हिस्सेदार हैं। हमको विकास निधि मिलना चाहिए शहर के डेवलप के लिए, शहर के विकास के लिए, क्योंकि शहर का जो नुमाइंदा है वो तो नाकाम हो चुका, तो मिलना चाहिए। नजरअंदाज किया गया और मुझको ऐसा एहसास हुआ कि हमारे रियासती लीडरान, मैं केंद्र के लीडरान को कोई दोष नहीं दे सकता इसमें, कांग्रेस पार्टी के उन पर मैं कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। भैया प्लीज प्लीज यार, मैं कोई दोष नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे रियासती लीडरान है, जो सरकार संभाल रहे हैं, सरकार में बैठे हैं, अगर हम उनके पास काम लेकर हम जाते हैं शहर का विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए, अगर नजरअंदाज किया जाता है, हमारे रियासती लीडरान कैसा लगने लगा कि बस जो बड़े चेहरे हैं मुसलमान नेताओं के, जो पहले थे आज भी है, बस उनको हम आगे बढ़ाओ तो महाराष्ट्र के मुसलमान वोट दे देंगे। मैंने उनसे कहा कि शायद अब आपको हमारी जरूरत नहीं है, खासतौर से मेरी जरूरत नहीं है, जो नजरअंदाज किया जा रहा है। हम आवाज उठा रहे हैं कि हमारे शहर में यह होना चाहिए, मुसलमानों के लिए होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एनआरसी खत्म होना चाहिए। मैंने ये कहा, यकीन करो आज मेरे मजदूर भाई यहां बैठे हैं कि हम कई दिनों से आप लोग सोचते थे कि असंगठित कामगार का बोर्ड क्यों नहीं बना, मजदूरों का बोर्ड क्यों नहीं बना, सब्जी वालों का बोर्ड क्यों नहीं बना, गुरुड वाले के लिए क्या है। लेकिन मैं एमएलए था, असंगठित बोर्ड बना, मैंने लड़ा
और उस कमेटी का मेंबर आज भी हूं, लेकिन भाजपा की सरकार ने उसमें फंड नहीं दी। मैंने मेरे पार्टी लीडरान के पास गया और कहा कि 122 ऐसे मजदूर हैं, ऐसे कैटेगरी है जिसमें पावर लूम मजदूर से जुड़े हुए मजदूर, जिसमें रिक्शा ड्राइवर, जिसमें ट्रक ड्राइवर, जिसमें सब्जी सरकारी बेचने वाले, प्लम्बर लोग, हम्बर लोग, खेती में काम करने वाले लोग, वायरमैन लोग, जो आज अगर उनको कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट की कोई सहूलत नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कहा कि यार उसके अंदर 50 करोड़ डाल दो, इनका रजिस्ट्रेशन कर लो, इनको 4 स्कीम हमने डराव किया था जब मैं एमएलए था कमेटी के अंदर, तो आप उसके अंदर 50 करोड़ डालो ताकि मजदूरों का फायदा हो जाए, गवर्नमेंट का पैसा आएगा, इंश्योरेंस का मिलेगा, इंजर्ड होगा कोई एक्सीडेंट हो गया मिलेगा, ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो जाए तो कुछ लाखों रुपया मिलेगा उनके परिवार को, उनके बच्चों की तालीम का, उनके बच्चों की मेडिकल का, उनके बच्चों के शादियों का, वो कमेटी के वो बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है। कांग्रेस के लोग खामोश हो रहे कुछ, ऐसे बहुत सारी वजह। आज जब बकरीद आती, जैसे जैसे बकरीद आती है त्योहार, वैसे वैसे कुर्बानी का मसला खड़ा। जब भाजपा की सरकार ने काला कानून लाया, जो गौवंश कायदा लाया, कायदा बनने के बाद तो हम पालन कर रहे और करते रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ तरमीम करो ताकि बकरीद के ऊपर तो छूट मिल जाए। हो सकता है कि जो जानवर बूढ़ा हो जाए, जो खेती के काम में नहीं रहे, तो उसमें तरमीम करो, ये बात भी मैंने रखा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अगर आप तो ये बात को जानते हैं नौजवान, पहले मोबाइल कीपैड होता था बटन वाला, उसके बाद एंड्रॉइड मोबाइल आया, उसके बाद मॉडल चेंज हुआ, ऊंचा मॉडल आता तो नौजवान ये छोड़ता वो बदलता, उससे ऊंचा है ये छोड़ता वो बदलता। आज जमाना है एक हाथ ले एक हाथ दे। तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र, या आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी, कोई बता सकता है कि कितना वक्त है? किसी के पास 1 घंटा, किसी के पास 1 सेकंड, किसी के पास 10 साल, किसी के पास 20 साल। अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर हमारे रियासती लीडरान, अगर क्यादत कमजोर है, अगर सरकार में नहीं बन रही है, सरकार में नहीं चल रही है, और अगर हमारे जैसे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो आपसे मेरा सवाल है कि उस पार्टी में रहना मेरे लिए ठीक था या नहीं था? मैं उसकी पॉलिसी में तंकीद नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस सेकुलर है और सेकुलर रहेगी, लेकिन मुझे रियासती लीडरान से मुझे बहुत दिक्कत थी। अगर हमारे नौजवानों का काम नहीं हो, हमारे मुसलमानों का काम नहीं हो, हमारे शहर का विकास नहीं हो, हमारे शहर का डेवलप नहीं हो, मजदूरों का काम नहीं हो, बुनकरों का काम नहीं हो, मैंने फैसला किया कि जो मेरे वादे शहर के आवाम से किया, नौजवानों से किया, वो मुझसे पूछते कि आप तो अपनी सरकार आ गई ना, रिजर्वेशन दिलाओ।
मजदूर लड़के सवाल करते, बुनकर करते, छोटा मोटा ठेले पे गाड़ी धंधा करने वाले पूछते। बदकिस्मती हमारी अपनी थी कि मैं हार गया। 15 महीने फिर भी इंतजार किया हमने कि शायद का नुमाइंदा कुछ करेगा। मैं चाहता तो आप लोगों से बोल सकता था, शहर के आवाम से बोल सकता था कि मैं तो हार गया, मैं क्या करूं। लेकिन नहीं, आप लोगों ने जो 80,000 वोट मुझको दिया, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए खड़ा रहूं और आखिरी तक आपके लिए लड़ता रहूं। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मैं इसको लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरे रास्ता अब अलग में चुन रहा हूं। आप बताओ कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। मैंने शहर का जो जायजा लिया, शहर से जो मैंने राय ली, जो आप लोगों से मशवरा लिया, आप पहले हाथ उठाकर बोलो कि जो मैं ऐलान करूंगा आप लोग मेरे साथ हो ना, ताकत बनकर पूरी ताकत के साथ। आसिफ साहब जो राय मैंने लिया आप लोगों से, जो आप लोगों ने राय दी, तो कई लोग अगर उसका परसेंटेज निकाला जाए, जरा अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप साइलेंस, जो आप सुनने आए हो तो आप शुरू कर रहा हूं। मैंने जो चौक चौराहों के ऊपर जाकर आपसे जो राय ली, कई लोगों ने राष्ट्रवादी कहा, कई लोगों ने शिवसेना कहा, कई लोगों ने आप पार्टी कहा, कई लोगों ने जनता दल कहा, कई लोगों ने यहां तक कुछ लोग जज्बात में होंगे भाजप, कई लोगों ने कहा कि अपनी पार्टी बनाओ, कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस में वापस चलो। ये सब बातें आई। मैं चाहता जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चला जाता। अब मुझे उम्मीद थी कि आप लोग मेरे फैसले के ऊपर कोई इतराज नहीं करते, लेकिन मेरी सोच वैसी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी राय के साथ चलूं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ चलूं, मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य बने, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य बने। मैं इसलिए राय ले रहा था। अगर उसका कैलकुलेशन मैंने किया, जो राय लिया, तो 70% लोगों की राय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है। 70% राष्ट्रवादी कांग्रेस की राय आई और सेकंड नंबर पर शिवसेना की आई, थर्ड नंबर पर आप पार्टी की आई। अब कुछ लोग ने दावत भी दिया था, हमारे दरवाजे खुले हैं जनता दल के लोगों, कड़ी कोंडा ही नहीं है उसमें। घर हाल अल्लाह का गरम है, किसी ने राय नहीं दावत तो ही कहीं से। मैं बोलता जनता दल के लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े शहर के अंदर विकास को रुकावट बनने वाले, दीमक की तरह चाट रहे शहर।
बहरहाल उनकी किसने राय नहीं दिया। और मैंने तो पहले ऐलान किया था कि जातिवादी पक्ष नहीं चलेगा, चाहे वो भाजप हो चाहे वो एमआईएम हो, वो एक सिक्के के दो, उनका तो सवाल ही नहीं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब राय आने लगी और जब मैंने इस्तीफा दिया तो मुझको दूसरे ही दिन से संपर्क करने की कोशिश कई लोगों ने की, जैसा कांग्रेस के लीडरान ने की, वैसा एनसीपी के लीडरान ने की, वैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने की, आपके लोगों ने की, शिवसेना के लोगों ने की। जैसे मैंने माहौल देख लिया कि राय एनसीपी के तरफ जा रही, तो एनसीपी के जैसी रास्ता मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, मुझसे कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद मैं दो मर्तबा एनसीपी के लीडरान से मीटिंग मेरी मुंबई में हुई। क्या बात है, इसीलिए तो जलसा लिया बताने के लिए। क्या बात है, दो मीटिंगें मेरी हुई और आला लीडरान से हुई। अल्लाह का करम है, तुम्हारे भाई का बहुत वजन। बहुत वजन, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा, आप लोगों की दुआएं आला लीडरान से हुई। और उन्होंने मुझसे वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हो कि आपकी जो शरायत है, आप जो शहर के लिए चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए तैयार हैं। अगर मैं ये बात बोलूं कि 90% बात मैंने कर चुका हूं, 90% बात मैंने लीडरान से कर चुका हूं, लेकिन मैंने 10% रोक के रखा हूं। अब 10% क्यों, मैं वापस भी हो सकता हूं, फिर आपसे मशवरा भी कर सकता हूं। जो मैंने ड्राफ्ट कमेटी बनाई, जो ये मेरे हाथ में है, ड्राफ्ट कमेटी ने क्या कहा, मेरे को क्या कहा, और मैं उसकी दलील भी दूंगा। थोड़ा वक्त तो 5 मिनट और को इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप बात करो, मैंने कोई जाकर एनसीपी से वादा करके नहीं आया, अभी सिर्फ बात चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन का जो आपका शिद्दत से मुतालबा रहा, उसके बारे में बात करिए, उसमें वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या वादा करना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एनआरसी CAA के बारे में एनसीपी लीडरान क्या चाहते हैं, आप बात करिए, वो हमसे क्या वादा कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही, जो ड्राफ्ट कमेटी ने दी, कि 122 जो असंगठित कामगार, जो पावर लूम मजदूर फ्रूट वगैरह जो मैंने कहा, उस बोर्ड के अंदर पैसा डालने वाले है या नहीं, उसके बारे में बात करिए। चौथी बात उन्होंने कहा ड्राफ्ट कमेटी ने, कि मालेगांव शहर को इकलौती जिला बनाया जाएगा क्या। पांचवी बात उन्होंने कही कि मालेगांव शहर के रास्तों समेत मुजाफरत के इलाके झोपड़पट्टी के अंदर खुसूसी फंड मिलेगा क्या। छठी बात कही कि पावर लूम से जुड़े हुए मजदूर, मुकादम, बेघर लोग हाउसिंग मिनिस्ट्री से क्या मालदा घरकुल योजना के अंदर उनको मकान मिलेगा क्या। सातवीं बात कि मुसलमानों का मौजूदा शाह बिरादरी
मुस्लिम बेहतर और जो 22 मुसलमानों में अलग अलग ओबीसी है उनके जो मसाइल है उसके ऊपर बात करें कि उनका मसला हल होगा क्या। आठवां सवाल जो ड्राफ्ट कमेटी ने मुझे दिया कि बात करो, मालेगांव शहर में गरीबी की सतह का नीचे जो सर्वे अभी तक रुका है, कई गरीब परेशान है, वो होगा क्या, वो बात करो। नौवां जो मुद्दा है, एमआईडीसी के अंदर सायना एमआईडीसी के अंदर जमीन एक्वायर की जाएगी क्या, डेवलपमेंट प्लान जो हथवाड़ का है उसके अंदर सनती जोन डिक्लेयर किया जाए। दसवां सवाल, जो मुस्लिम बस्तियों को के अंदर जितनी मस्जिद है, जितनी ईदगाह है, जिनकी खानकाह है, कब्रस्तान है, वक्फ बोर्ड के मसाइल हल होना चाहिए, ये बात करो। मालेगांव के अंदर जो आईटीआई कॉलेज मेरे वक्त में मंजूर हुआ, सीनियर कॉलेज जूनियर कॉलेज की बात करो, हमारे बीओएमएस डॉक्टर्स को जो सरकारी नौकरियां नहीं मिलती उसके ताल्लुक से बात करो। तेरा, मालेगांव जनरल हॉस्पिटल में हर किस्म का इलाज होना चाहिए, उसके लिए मशीनरी मांगो। 14, मालेगांव जनरल हॉस्पिटल में जीवनदायी स्कीम शुरू की जाए ताकि गरीब भाइयों को उसका फायदा हो। और 15, गौ वंश कानून के अंदर तरमीम की जाए। ऐसे 15 सवाल जाकर भले एनसीपी के लीडरान से आप बात करो, अगर इस पे वादा करते तो आप एनसीपी में चले जाओ, ऐसा ड्राफ्ट कमेटी ने कहा। दोस्तों और साथियों, सबसे अहम बात कि अगर एनसीपी ने यह वादा किया कि हाँ अरे आपके मसले हम हल करेंगे, तो मेरा यह नहीं मानना है कि बस हमको थाली में सजा कर मिलेगा, बल्कि इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, पाठपुरावा करना पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह है कि अगर घरकुल योजना के अंदर मजदूरों को, मुकादम को या बेघर लोगों को चाहिए तो हाउसिंग मिनिस्ट्री एनसीपी के पास में है, राष्ट्रवादी के पास है, अल्पसंख्यक मंत्री कौन एनसीपी का है, नवाब मलिक साहब है, जो रिजर्वेशन का मसला उस डिपार्टमेंट से हल हो सकता। गृह डिपार्टमेंट एनसीपी के पास है, जो CAA का एनआरसी का मसला हल हो सकता, मजदूरों के बोर्ड का मसला जो दिलीप वर्से पाटिल साहब है, जो कामगार मंत्री है उनके पास हल हो सकता, जो रास्तों के फंड की बात है, डेवलपमेंट के फंड की बात है, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब से हल हो सकता, गरीबी की सतह का नीचे जो सर्वे रहता है वो राज्य मंत्री नगर विकास जो राष्ट्रवादी के पास है वहां से मसला हल हो सकता, शिवसेना के पास एमआईडीसी हेल्थ ऑफिसर अपना मशीनरी का हॉस्पिटल का, और राजेश टोपे है बीओएमएस डॉक्टरों का मसला उसमें हल हो सकता, ईदगाह का मसला अल्पसंख्यक विभाग से हल हो सकता, पावर लूम के लिए टेक्सटाइल जोन, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए पावर लूम बुनकर भाइयों के लिए, वो मसला मिनिस्ट्री से हल हो सकता, वो कांग्रेस के पास है। बोलने का मतलब ये ड्रॉप जो बना है, ये ड्रॉप 90% वजारत एनसीपी के पास है, तो हमारे शहर के मसाइल हल हो सकते अगर हम एनसीपी में गए, लेकिन अगर एनसीपी वादा करती है तो। और ये कल मैं उन एनसीपी के लीडरान को ये पूरे 15 में जो हमारे मुद्दे हैं, मुतालबात है कि शहर के विकास, शहर के डेवलपमेंट, मैं उनको मेल करूंगा, इनको कल भेज दूंगा मेल के जरिए, और उसे कहूंगा कि मैंने जो जलसा लिया, जो मेरी ड्राफ्ट कमेटी बनी, जो मेरे शहर की आवाम की राय है वो ये है, आप इसके ऊपर अगर मुझको फोन पर भी कमेंटमेंट कर देंगे या वहां बुलाकर भी कमेंटमेंट कर देंगे तो मैं एनसीपी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वादा करना है।
ऐसा ही नहीं हवा में। और आपको पता है कि मेरी पहचान सिर्फ काम है या। और सीधा काम तो सब कर लेते, शेख आसिफ की पहचान टेढ़े को सीधा बनाने। और अगर मैं वादा लूंगा तो आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, शहर की आवाम को यकीन दिलाता हूं, इंशाल्लाह जरूर इसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। और एक बात मैं मीडिया के सामने, शहर की आवाम के सामने, मेरे नौजवान साथियों के सामने, बुजुर्ग हजरात के सामने, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने मेरे मुफाद के लिए, मेरे लिए कोई एक छोटा सा अदना सा ओहदा नहीं मांगा, एक अदना सा ओहदा नहीं मांगा, कोई वादा नहीं किया। खुदा की कसम मैंने कोई, मेरी जबान से एक जुमला नहीं निकाला कि मुझको ये ओहदा चाहिए तो मैं आपकी पार्टी में आता हूं। मैं कभी मुंह से मांगकर ओहदा लेने वाला शख्स नहीं हूं। मेरी काबिलियत पर, मेरे काम पर, अगर मेरे काम किसको पसंद आएगा कोई पार्टी को आगे तो मुझको ओहदा दे, और न तो कोई जरूरत नहीं है। शेख आसिफ कभी मुंह से ओहदा नहीं मांगा। अभी चाहता तो मैं ऐलान कर सकता था कि मैं असेंबली हार गया, अब मुझे कार्पोरेटर बनाओ और मुझे मेयर बनाओ, लेकिन मैंने ऐलान उस वक्त भी किया, आज भी कर रहा हूं कि मैं पीछे मुड़कर देखने वाला शख्स नहीं हूं। मैं कार्पोरेटर या शहरी कार्पोरेशन की सियासत में रहना नहीं है मुझको। मैं चाहता तो शेख रशीद साहब को बोलता कि मुझको वापस मेयर बनना है, लेकिन मुझको पलट के नहीं देखना। कई लोगों के दिल में सवाल थे, हमारे मुखालिफिन को आज बहुत जलसा सुनने आए, क्या बोलेगा, क्या करेगा। वापस बोल रहे हैं मेरे मुखालिफ, जितने लोग सुन रहे हैं सुन लो, 90% बात हुई है, 10% अगर नाकाम हो गई तो फिर जलसा लूंगा, फिर शहर को बुलाऊंगा, पूछूंगा क्या करना है। लेकिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलप के लिए, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहे, जिस तरीके से आप मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, शेख रशीद साहब के साथ, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। और हमने आपके लिए हमेशा जिया है, गरीबों के लिए, आपके विकास के लिए, आपके डेवलप के लिए। हम पीछे डर के हटने वालों में से नहीं है। कई लोग तो हमारी सियासी जिंदगी खत्म करने की सोच लिए थे, लेकिन जब तक आपका साथ रहेगा, जब तक अल्लाह का करम रहेगा, अल्लाह जब तक चाहेगा तो आप लोगों की खिदमत करता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो जरूर फिर एक मरतबा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, फ्रूट वाला हो, मजदूर हो, बुनकर हो, सबको साथ लेकर चलूंगा। उम्मीद है कि आप लोग मेरे हर फैसले के साथ रहेंगे। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझको अब क्या करना है? आज आप बोल दो कि एनसीपी पे नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे आप, क्या कर रहे हैं? मैं बहुत आगे बढ़ाऊ, ये 15 मुकाबले के साथ अगर यह हो जाएगा ये हमारे मुतालबे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शहर को इतना दे दी जाएगी कि मैं फला पार्टी में इस दिन, फला दिन, फला तारीख को प्रवेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना वक्त तरीका के जलसे को कामयाब किया, और नौजवानों का दिनों के जलसे को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।